सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा श्रवण कुमार राजपुरोहित हूँ। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सुजानगढ़ तहसील चूरू से आया हूँ, जिला चूरू से। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं ये देवी देवताओं की भक्ति करता था, हनुमान जी की, शिव जी की, पार्वती की, सबकी इनकी भक्ति करता था मैं। सर, जो पूजाएं आप करते थे उन पूजाओं का आधार क्या था? क्या आपने किसी संत या महंत को गुरु बना रखा था? नहीं, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया था। मैंने अपनी मनमानी भक्ति करता था। मेरे को ये था कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की करनी चाहिए, और इनकी पूजा करता था मैं। लेकिन इनसे मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। सर, इतने सालों से आप ये सभी पूजाएं करते आ रहे थे, तो सर आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली? मैंने इसलिए, एक दिन टीवी देखा था, अचानक संत रामपाल जी महाराज का चैनल लग गया और मैंने देखा, तो ये देखा कि ये कौन सी भक्ति बताते हैं। तब मैंने सुना तो मेरे को पता चला कि ये तो अलग ही भक्ति बताते हैं। तो फिर मैंने वो चैनल देखा और मेरे ये हो गया कि अब देखते हैं। तो वो उस दिन तो चैनल चला गया, उसके बाद में फिर दोबारा जब चैनल लगाने लग गया मैं, तो ऐसे करके 15 दिन मैंने चैनल देखा तो ये तो सारी अलग ही बताते हैं, ये देवी देवताओं की भक्ति के अलावा अन्य भक्ति बताते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये कबीर साहब का नाम लेते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, सृष्टि के रचेता है। तो फिर मेरे को ये प्रेरणा होगी कि मैं कबीर साहब की भक्ति करूं, अन्य किसी की ना करूं। तब फिर मैंने क्या किया, मैंने कबीर साहब की तस्वीर लेके आया, बहुत मुश्किल से मिली मेरे को, और मिलने के बाद में मैंने कबीर साहब की तस्वीर ला के और मैंने पूजा करनी शुरू कर दी। जब मैंने पूजा करनी शुरू कर दी 25 नवंबर को लेके आया था, तब फिर 26 जनवरी 2017 को जो है सुबह 10 बजे कबीर साहब ने साक्षात मेरे को दर्शन दिए परमात्मा ने, कि बिल्कुल एकदम कबीर साहब बिल्कुल साक्षात मेरे सामने आए और मंदिर के आगे मैं खड़ा हो गया और बिल्कुल एकदम साक्षात मेरे को दर्शन दिए। कहते हैं कि परमात्मा जो है वो निराकार नहीं है, वो नारायण है, अपने जैसा ही है, और उनका रूप चमकदार और अलग ही है, और वो परमात्मा बहुत सुंदर और श्रेष्ठ है। कबीर साहब का रूप जो है, जो कबीर साहब की तस्वीर है, दाढ़ी है लंबी लंबी और उनके मुकुट है, और उनका जो स्वरूप है वो बिल्कुल एकदम साक्षात वैसे ही मेरे को स्वरूप दर्शन दिए कबीर साहब ने। तो फिर मैंने कबीर साहब से ये बोला कि रामपाल जी तो जेल में है, तो रामपाल जी से मैं दीक्षा कैसे ले सकता हूँ? तो कबीर साहब जो है मेरे को बिल्कुल एकदम मेरा शंका दूर कर दिया, और रामपाल जी की तस्वीर में कबीर साहब आ गए और रामपाल जी की तस्वीर में कबीर साहब नज़र आने लग गए। तब फिर मैंने सोचा कि मेरा शंका दूर हो गया कि रामपाल कबीर साहब ही रामपाल जी है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में कबीर साहब के बारे में बताते हैं, उनका शरीर हाड़ चाम की देह नहीं है। क्या जब आपको कबीर साहब के दर्शन हुए, क्या आपने उनको छूकर देखा कि उनका शरीर कैसा था? बिल्कुल साहब, मैंने एकदम छू के भी देखा है और मेरे शरीर के अंदर भी वो वैसे विराजमान रहे हैं, और उनका शरीर अलग है, उनका हाड़ मांस का शरीर नहीं है, रुई जैसा चमकदार और अलग शरीर है, हल्का है, बिल्कुल हल्के पुल्के हैं, और उनका शरीर अपने से अलग है, भिन्न है वो, और इतने सुंदर और इतने श्रेष्ठ है, उनके शरीर में चमक है और बहुत ही हल्के पुलके हैं वो, और रुई जैसा शरीर है उनका। सर, फिर क्या हुआ जब कबीर साहब आपको मिले और उन्होंने आपको कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है और वही परमात्मा है, फिर आपने क्या किया? फिर मैंने जो है वो उसके बाद में भक्ति करनी शुरू कर दी, और मैंने जब भक्ति करनी शुरू कर दी उसके बाद में जो है 27 फरवरी 2017 को जो है अलवर से मैंने नामदान लिया। पीली पट्टी पे आता था उनका नामदान, उसका नंबर आते थे उनके, वहाँ से नंबर से मैंने फ़ोन करके अलवर बात करके, और फिर मैंने अलवर नामदान केंद्र से मैंने जो है नामदान लिया है। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से 2017 में नाम दीक्षा ली। सर, जब बरवाला की घटना हुई 2014 में, उस वक्त संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगे और न्यूज़ चैनल्स पर भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखाई जा रही थी। सर, उस वक्त संत रामपाल जी महाराज के प्रति आपके क्या विचार थे, और जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने उसके बाद आपके क्या विचार हैं? उस समय ऐसा था कि जब
वो जेल में थे तो सारे लोग बोलते थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, उनके प्रति जो है वो सब लोग मतलब वो करते थे। तब मेरे मन में ऐसा आया कि ये भी रामपाल जी भी ऐसे ही होंगे जैसे और लोग जेल जाते हैं करते हैं। तब मेरे को विश्वास नहीं था, तो मेरे भी मन में शंका था कि ये भी संत सही नहीं है जो जेल गए हैं। उसके बाद में जो है जब मैंने इनका चैनल देखा, इनका ज्ञान सुना, परमात्मा से जब मैं मिला, तब मेरे को बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो गया और परमात्मा ने मेरे को कबीर साहब ने इतना विश्वास दिला दिया और रामपाल जी ने इतना विश्वास दिला दिया कि अब जो है चाहे जेल क्या कहीं रहो मेरे पास रहते हैं और मेरे को दिखाई देते हैं कबीर रामपाल जी महाराज और कबीर साहब दोनों गुरु गोविंद के रूप में दिखाई देते हैं मेरे को। सर क्या संत रामपाल जी महाराज आपको दिखाई देते हैं? बिल्कुल साहब, संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब दोनों दिखाई देते हैं। जब मैं घर से ड्यूटी करने चलता हूँ तो भी मेरे साथ चलते हैं वो। लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज तो 2014 से जेल के अंदर हैं। सब ये इनके लिए जेल में होगा, जो बाहर जो देख रहे हैं उनके लिए जेल में है, लेकिन हमारे लिए जेल में नहीं है, हमारे तो हमारे साथ में है। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, सर उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, उसके बाद में मेरे को सतनाम लेना था और सतनाम लेने के लिए मेरे को पता नहीं था कि उनकी हाजिर लगानी पड़ती है क्या। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करी और मैं बोला, मैं क्या परमात्मा, मैंने आपके अभी जो गया भी नहीं हूँ और हाजिरी भी नहीं लगाया तो मेरे को सतनाम कैसे मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज 25 मई 2017 शाम को 4 बजे वो मेरे को साक्षात दर्शन दिए और बोला कि बेटा मैं तेरे लिए हिसार से चल के आया हूँ। तब मैंने परमात्मा के दंडोत प्रणाम किया और परमात्मा ने मेरे को आशीर्वाद दिया और बोला, बेटा अब मैं आ गया हूँ, तेरे को सब कुछ मिल जाएगा और तू हिसार आ जाना और हिसार आके अपनी हाजिर लगा जाना। मैं क्या ठीक है परमात्मा, मैं हिसार आ जाऊँगा। तब फिर बोला, जाते जाते ये बोला कि अब मैं हिसार जा रहा हूँ और आप हिसार आ जाना। मैं क्या ठीक है परमात्मा। सर संत रामपाल जी महाराज को आप परमात्मा समान दर्जा दे रहे हैं, क्या एक संत को परमात्मा के तुल्य समझना उचित है, जबकि संत रामपाल जी तो खुद को परमात्मा का दास कहते हैं? मैं भी औरों की तरह साधारण आदमी था और वैसे साधारण भक्ति करता था, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। और जब मैंने रामपाल जी का सत्संग सुना और इनके सत्संग सुनने पर मैंने जो भक्ति की, उसके बाद में कबीर साहब ने मेरे को दर्शन दिए। संत रामपाल जी महाराज उसी रूप में आए जैसे कबीर साहब आते हैं, ऐसे ही बिल्कुल एकदम साक्षात अलग लाइट सी लगी और ऐसा हुआ कि बिल्कुल एकदम साक्षात परमात्मा आए हुए हैं। ऐसे मैंने ये नहीं सोचा था कि संत के रूप में है, वो पूर्ण परमात्मा है। और ऐसे ही कबीर साहब जैसे मेरे को दिखाई दिए थे, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज मेरे को दिखाई दिए और ऐसे ही मेरे से बातचीत किया। तब मेरे को निश्चय हो गया और फिर मेरे मैंने जो है वो रामपाल जी के दर्शन किए और उसके बाद में जो है वो मैंने एकदम बिल्कुल मेरे को विश्वास हो गया कि कबीर साहब रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ तो पहली बात तो मेरे को परमात्मा मिल गए, मेरे को कीचड़ में से निकाल के एक अच्छा देवता बना दिया उन्होंने, जो कि मैं भक्ति मार्ग पे सच्ची भक्ति करने लग गया। दूसरी बात है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से ही प्रेरणा लेके और मैंने कबीर साहब की भक्ति की है और तब मेरे को कबीर साहब मिले हैं। गुरु ने ही गोविंद को मिला है, मेरे परमात्मा को संत रामपाल जी महाराज ने मिला है। जो इतने साल से भक्ति करते थे उनको भी परमात्मा नहीं मिलता था और ग्रंथों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से और रामपाल जी ने भक्ति बताई है बिल्कुल साधारण सी है। आप ड्यूटी भी करो, कहीं भी जाओ, चलते फिरते उनका जाप कर सकते हो। इतनी साधारण भक्ति है परमात्मा की कि और भक्ति से भिन्न है और भक्ति से कुछ लाभ नहीं मिलता है। और दूसरी बात, एक लाभ तो मेरे को ऐसा हुआ है कि मेरा सिर में दर्द होता था साल भर से, मैंने सब जगह झाड़ा पूछ करवाया और सब जगह मैंने पूजा करवाई, कहीं लाभ नहीं मिला मेरे को। और मेरे को डर भी लगता था, आज मेरे को डर भी नहीं लगता है और मेरा सिर का दर्द जो है वो बिल्कुल सही हो गया है। जो सब लोगों ने बोल दिया कि कोई बोलते हैं कि आपके प्रेतवादा है, कोई बोलते हैं कि आपके जो है पितृ दोष है,
अब वो पितर दोष कहाँ गए, जो कि परमात्मा की रामपाल जी की भक्ति करने के बाद में मेरे सारे दोष दूर हो गए और मैं सच्ची भक्ति करता हूँ। और मेरे को बिल्कुल विश्वास है, अन्य जो देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं वो मन आचरण, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी कबीरपंथी संत हैं और हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे कबीरपंथी संत हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में उनके बारे में बताते भी रहते हैं। सर, आपको अन्य संतों में और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में, क्योंकि आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन सुनने के बाद आपने कबीर साहब की पूजा की और उसके बाद आपको कबीर साहब ने दर्शन दिए, तो सर और जो कबीरपंथी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज हैं उनमें आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? उनके ज्ञान में ये अंतर मिलता है कि वो जो नाम देते हैं वो सतनाम, वो नाम के अंदर इतना पावर होता है, इतनी शक्ति होती है कि और सब चीज़ दूर हो जाती है, कोई चीज़ उसके पास में नहीं आती है। और सच्ची भक्ति है और सत लोग जाने का और मोक्ष की प्राप्ति करने का ये संत रामपाल ही जो सच्ची भक्ति देता है। इसके अलावा कोई संत आज तक इस दुनिया के अंदर कोई सच्ची भक्ति और कोई सच्ची भक्ति का मार्ग नहीं बताते हैं। और ये जो नाम देते हैं, जाप देते हैं, ये बिल्कुल साक्षात परमात्मा का जाप है और सतलोक से जाने का एक मोक्ष मार्ग देते हैं। तो इसलिए रामपाल जी जैसी भक्ति कोई साधना नहीं देते हैं, ये ही सब कुछ है। सर, संत रामपाल जी महाराज का एक स्वच्छ समाज सुधार में क्या योगदान है? बहुत बड़ी संत समाज में योगदान है इनका, कि एक तो आदमी नशा करने छोड़ने के लिए कितने जतन करता है, जो कि मात्र उनका नाम लेने से ही नशा मुक्त हो जाता है वो। दूसरी बात है दहेज देते हैं, कितना कितना वो करते हैं, उनसे भी वर्जित करते हैं कि कोई दहेज देना नहीं है, नहीं लेना है बिल्कुल एकदम। तो इससे ये होता है कि बिल्कुल आदमी को दुखी नहीं होना पड़ेगा, आदमी को परेशान नहीं होना पड़ेगा और बिल्कुल एकदम सच्चा मार्ग और सच्चा दिशा दिखाते हैं वो। सर, ये बातें कि नशा आदि न करना, ये तो बहुत सारे संत बताते हैं, लेकिन सर जब हम वास्तविकता को देखते हैं तो उनके जो अनुयायी हैं या उनके जो समर्थक होते हैं वो हुक्का बीड़ी भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं और साथ ही मांस आदि भी खाते हैं और सत्संग में भी जाते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी क्या वो भी इसी तरह करते हैं? बिल्कुल नहीं करता साहब, कोई नहीं करता है। जो अन्य जो धर्मगुरुओं से जो नामदान ले रखे हैं वो सब नशा करते हैं और परमात्मा नशे के खिलाफ है। परमात्मा कहते हैं जो नशा करता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। सर, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि गुरु उन्होंने भी बनाया है, भक्ति वो भी करते हैं, वो भी अपने गुरु को परमात्मा तुल्य मानते हैं, तो उनके अंदर ये दृढ़ निश्चय क्यों नहीं होता कि वो नशा छोड़ दे? उनके अंदर सच्ची भक्ति नहीं है, वो काल के दूत है, काल की भक्ति करते हैं वो। और ये जो भक्ति है ये सच्ची भक्ति है और परमात्मा के इतनी शक्ति है परमात्मा की, इनके नाम लेने से ही आदमी की शुद्धिकरण हो जाती है और अंतःक्रिया साफ हो जाता है, बिल्कुल एकदम तन मन एकदम श्रेष्ठ हो जाता है और उसका नशा पता छूट जाता है। जो नशा करता है वो भक्ति क्या करेगा, वो सारा खाता पीता है वो क्या भक्ति करेगा? सर, संत रामपाल जी महाराज को लोग दो पहलुओं से जानते हैं। एक तो उनको अपनी मीडिया के थ्रू संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता चलता है कि उनके ऊपर बहुत सारे संगीन आरोप लगाए जाते हैं, और दूसरा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनको संत बताते हैं, परमात्मा बताते हैं और उनके ज्ञान का प्रचार करते हैं। सर, आपको कबीर परमेश्वर स्वयं आकर मिले। सर, आप क्या मानते हैं कि लोगों को ये विश्वास कैसे हो कि एक जेल में रहने वाला संत जिनके ऊपर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप है वो परमात्मा हो सकता है? देखो, इसके बारे में मैं इसलिए कहूँगा कि मैं खुद जो है अभी मैंने दीक्षा ली है 27 फरवरी 2017 को, जो कि रामपाल जी जेल में हैं और जेल में होने के बावजूद भी मैंने दीक्षा ली है। तो मैं सभी भक्तों से ये कह सकता हूँ कि जब मेरे को विश्वास है और मेरे को परमात्मा ने दर्शन दिए हैं तो आप भी जो है वो विश्वास करें। संत रामपाल जी महाराज जेल में होने के बावजूद भी मेरे को जो है साक्षात परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को दर्शन दिए हैं, इसलिए मेरे को विश्वास है कि वो पूर्ण परमात्मा है और वो सब कुछ कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाएं, दीक्षा लें। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी भगत समाज है वो सच्ची भक्ति करे
और कबीर साहब की भक्ति करे, संत रामपाल जी की शरण में आ जाए, उनसे दीक्षा ले ताकि उनका मोक्ष हो जाए, उनका कल्याण हो जाए। काल की भक्ति ना करे, काल जो है वो 84 लाख जूनी के अंदर डाल देता है और गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली सब बनते रहते हैं और फिर भी उनका मोक्ष नहीं होता है, देवताओं का मोक्ष नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को सब बड़ा मानते हैं लेकिन परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए हम तो कहते हैं कि रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और उनसे दीक्षा लो। सर, आज साइंस का युग है, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, ऐसे समय में आप ये कह रहे हैं कि एक संत की शरण में जाइए, उनसे नाम दीक्षा लीजिए, और कबीर साहब को जो कि कवि के रूप में जाने जाते हैं, और कबीर साहब को भगवान मानने के लिए बोल रहे हो जो कि एक कवि के रूप में समाज में देखे जाते हैं, सर आपको परमात्मा खुद मिले हैं, तो आपसे ये प्रश्न तो बनता ही है कि आप एक ऐसे समय में एक संत से नाम दीक्षा लेने के लिए लोगों को क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो सच्ची भक्ति है और सच्चा परमात्मा है, सृष्टि का रचयिता है। कबीर साहब संत के रूप में 620 वर्ष पहले आया था, जब कवि के रूप में उन्होंने ज्ञान दे के गया था, लेकिन अब कलयुग के अंदर साक्षात कबीर साहब और संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सच्ची भक्ति करनी है तो संत रामपाल जी। सर, पहले तो आप ये बताइए कि लोग भक्ति क्यों करें? आज के समय में विज्ञान के युग में वैज्ञानिक चांद तक पहुँच चुके हैं, उनके लिए भक्ति अनिवार्य क्यों है? अनिवार्य इसलिए है कि मोक्ष चाहिए आदमी को। देखो, भक्ति करेंगे तो इस जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा और परमात्मा की शरण में चल जाएंगे, सतलोक में चले जाएंगे, जहाँ पे हम पहले वहीं रहते थे और वहीं से आए थे हम। तो संत रामपाल जी ये सच्ची भक्ति बताते हैं और उनके जो और भी जो है वो सब पढ़े लिखे हैं और आज सारे ग्रंथों के हिसाब से जितने वेद है उनके हिसाब से सब जान के और अच्छी तरह तुलना करके फिर इनके शरणों में आए हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन आप टीवी चैनल्स पर देखते थे और सत्संग के बाद संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के अनुभव भी सुनाए जाते हैं, उनके इंटरव्यू भी दिखाए जाते हैं टीवी चैनल पर। सर, पहले आप टीवी पर भक्तों के अनुभव सुनते थे और आज आप खुद अपना अनुभव बता रहे हैं, सर कैसा लग रहा है आपको? देखो सर, पहले हम सुनते थे, जब हमको ये था कि ये मतलब इन भक्ति साधना करने से इनको ये फ़ायदा हो रहा है, तो हम यकीन नहीं करते थे और हमारे को ऐसे विश्वास नहीं होते थे कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन ये तो बिल्कुल सत्य है, जब मैंने खुद ने भक्ति की और परमात्मा की शरण में गया, जब मेरे को पता चला कि वास्तव में सत भक्ति है और सच्चा परमात्मा है और सबका मालिक एक ही है। सब दुनिया बोलती है कि सबका मालिक एक है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सबका मालिक एक है कौन। ऐसे है, सबका मालिक एक है, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, कबीर पिता है, और वो कलयुग के अंदर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, तो उनसे नाम दीक्षा लेने से आदमी का कल्याण होगा। सर, क्या जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेगा उनको भी आपकी तरह लाभ होगा? देखो, सबसे बड़ा होता है विश्वास, आदमी विश्वास करना चाहिए। जब विश्वास ही नहीं है आपके अंदर तो आप लाभ क्या लोगे? जब आपकी सच्ची भक्ति होगी, आपका परमात्मा के प्रति विश्वास होगा, लगन होगा, आप सच्चे दिल से भक्ति करोगे, तो मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल आपके सामने साक्षात परमात्मा प्रकट हो जाएंगे और आपको लाभ जरूर मिलेगा उसका। जो कोई कहता है कि मेरे को लाभ नहीं मिला है, तो उसकी भक्ति में त्रुटि है। वो सही भक्ति सच्चा मार्ग के हिसाब से सच्चे लगन के साथ भक्ति नहीं कर रहा हो। सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन सर वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं। सर, आपने नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की? देखो, साधना चैनल पे पीली पट्टी आती है, 7:40 से लेकर 8:40 तक उनका सत्संग आता है, उसका पीली पट्टी देखो, उसमें नंबर है, उस नंबर से आप बात करो। और जहाँ नामदान केंद्र खुले हुए हैं, सब जगह, अलवर में भी है, नारनौल में, रेवाड़ी में, इशारा, सब जगह जहाँ नारनौल केंद्र खुले हुए हैं वहाँ पे जाओ और आप वहाँ से दीक्षा लो और सच्ची भक्ति आपको मिलेगी और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ। सर, नामदान सेंटर से नाम दीक्षा लेने के लिए कितनी फीस देनी पड़ती है? नहीं साहब, कोई फीस नहीं लगती है वहाँ पे, बिल्कुल फ्री होता है। वहाँ भंडारा भी करना पड़ता है, इज्जत मान सम्मान सारी चीज़ मिलती है
और वहाँ पे बहुत एक तो प्यार इतना मिलता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता है। घर के अंदर सारे सदस्य होते हैं, उनमें भी लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन परमात्मा की जो भक्ति करता है, जो नामदान ले लिया, वो बिल्कुल सुंदर और श्रेष्ठ, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से रहते हैं वो। ये चीज़ मैंने खुद अनुभव किया है। सर, अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आप दावा करते हैं कि कबीर साहब आपको आकर मिले और संत रामपाल जी महाराज भी आपको आकर दर्शन देकर गए। सर, एक आम व्यक्ति इस बात पर विश्वास कैसे करेगा? कैसे आप उनको विश्वास दिलाएंगे? क्या आप अपना घर का पता बता सकते हैं या आपका फ़ोन नंबर बता सकते हैं? सर, मैं घर का पता भी दे सकता हूँ, मैं फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ, और जहाँ पे मेरे को परमात्मा ने दर्शन दिए हैं वो मैं बहरोड में रहता हूँ, और बहरोड में मैं पार्ले फैक्ट्री में सर्विस करता हूँ, और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मेरे को 26 जनवरी 2017 को सुबह 10 बजे और परमात्मा कबीर साहब ने साक्षात दर्शन दिए हुए हैं, और 25 मई 2017 को शाम को 4 बजे संत रामपाल जी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए हुए हैं। वो जगह दिखा सकता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ले लो, मेरे से बात कर लो, और जहाँ पे मैं पूजा पाठ करता हूँ उस स्थान पे आके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।